स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 10 मार्च 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर आप जरूर करें। पीस है आज की सबसे बड़ी खबरें। शिमला मटोर मंडी पठानकोट सड़क परियोजनाओं को फोर लाइन बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 10,000 करोड़ रुपए के शिमला मटोर और 12,000 करोड़ रुपए की लागत से पठानकोट से मंडी तक फोर लाइन सड़क बनाने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। प्रदेश में सड़कों के विस्तारीकरण के दौरान पहाड़ों की कटाई से होने वाले भूस्खलन व पत्थर गिरने से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक अवधारणा कंसेप्ट पेपर तैयार करेगा। बारिश में इन सड़कों पर पत्थर और मलबा गिरने से रोकने की परियोजना पर प्राधिकरण के माध्यम से लगभग 300 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये जानकारी गुरुवार को सचिवालय में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी है। स्कूल शिक्षा बोर्ड की टर्म 2 की परीक्षाएं आज से 1,00,000 छात्र देंगे परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की टर्म 2 की परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू होगी। 10वीं कक्षा के 90,637 जबकि जमा 2 कक्षा के 1,03,932 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। शुक्रवार को पहले दिन 12वीं कक्षा की अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी जबकि शनिवार को 10वीं कक्षा की हिंदी विषय की परीक्षा होगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की नियमित SOS की परीक्षाओं की टर्म 2 की परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि इन परीक्षाओं के लिए प्रदेश में 2,200 के करीब परीक्षा केंद्रों का गठन किया गया है। परीक्षा के दौरान नकल को रोकने के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। बोर्ड की ओर से जहां उड़नदस्तों का गठन किया गया वहीं शिक्षा विभाग और उपमंडल स्तर पर भी उड़नदस्तों का गठन हुआ है। इसके अलावा स्कूल शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय धर्मशाला से भी CCTV कैमरों के माध्यम से परीक्षाओं पर नजर रखी जाएगी। बजट सत्र के पहले दिन अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाएंगे विधायक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन में विधायक अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाएंगे। इसके अलावा सरकारी संस्थानों को बंद करने का मामला भी गूंज सकता है। 14 अप्रैल को शुरू होने वाला सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को बतौर वित्त मंत्री अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। टोल बैरियर ऑक्शन 43% अधिक दाम पर बिका परवाणु टोल बैरियर। जिला सोलन के परवाणु स्थित हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार के टोल बैरियर की नीलामी 43% अधिक दाम पर हुई है। गुरुवार को सोलन बद्दी शिमला और ऊना के बैरियर की नीलामी बीते वर्ष के मुकाबले 26% अधिक रेट पर हुई है। शुक्रवार को बिलासपुर सिरमौर और नूरपुर में बीते वर्ष 2023-24 के लिए बैरियर नीलाम हो गए। परमाणु बैरियर बीते वर्ष 14.1 करोड़ रुपए में बिका था, इस वर्ष 20 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ है। बद्दी बैरियर की बीते वर्ष नीलामी 26.41 करोड़ रुपए हुई थी, इस बार ये बैरियर 34.44 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ है। शिमला के कुड्डू बैरियर की नीलामी बीते वर्ष 40 लाख में हुई थी, इस बार 54 लाख में नीलाम हुआ है। ऊना की बैरियर बीते वर्ष 22.60 करोड़ रुपए में नीलाम हुए थे, इस बार 25 करोड़ में नीलाम हुआ है। नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए रणनीति बनाएगी कांग्रेस, प्रतिभा सिंह आज लेगी बैठक। नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए राज्य कांग्रेस कमेटी शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में रणनीति बनाएगी। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह पार्टी नेताओं से विचार विमर्श करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश मामलों के सह प्रभारी तजेंद्र पाल बिट्टू विशेष तौर पर बैठक में मौजूद रहेंगे। CM सुक्खू बोले चपरासी के सहारे नहीं चलते कार्यालय, आधारभूत ढांचा जरूरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ कहा है कि बंद किए गए संस्थानों को जरूरत पड़ने पर फिर से खोला जाएगा, चाहे ये कार्यालय भाजपा विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में क्यों ना हो। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसी क्या जरूरत पड़गी कि भाजपा ने 4.5 साल के कार्यकाल में कोई भी संस्थान नहीं खोले और अंतिम 6 माह में 920 संस्थान खोल दिए। इन कार्यालयों में कर्मचारियों की नियुक्तियां भी नहीं की गई। चपरासी के सारे संस्थान नहीं चलते है, इन्हें चलाने के लिए पहले आधारभूत ढांचा तैयार करना होता है। हमारी सरकार हिमाचल का सम्मान विकास चाहती है, लेकिन आर्थिक हालात ठीक नहीं, इसके लिए पूर्व भाजपा सरकार जिम्मेदार है। भाजपा ने राज्य पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज का भार छोड़ा है।
सीएम सुक ने किया आईजीएमसी के नए ओपीडी ब्लॉक का उद्घाटन, रोगियों और स्टाफ से भी किया संवाद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक ने इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय आईजीएमसी के नए ओपीडी ब्लॉक में लगभग 30 करोड़ 90 लाख की लागत से निर्मित ट्रॉमा ब्लॉक का लोकार्पण किया। ट्रॉमा ब्लॉक के इस बहुमंजिला भवन में फिजियोथेरेपी वार्ड, स्पेशल वार्ड, आपातकालीन चिकित्सा इकाई, गहन देखभाल इकाई, आईसीयू बेड, आइसोलेशन वार्ड सहित सीटी स्कैन, एक्सरे, सैंपल एकत्रीकरण केंद्र तथा पैथोलॉजी प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। घायलों व गंभीर रोगियों के उपचार संबंधी वरीयता के लिए यहां अलग से व्यवस्था की गई है। अन्य आपात सेवाओं के साथ साथ यहां पर डॉक्टर, नर्स और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कक्ष, रोगियों के बैठने के लिए स्थान तथा अन्य जनउपयोगी सेवाएं भी उपलब्ध होगी। 1400 नए सब्जेक्ट एचपीयू के कॉलेजों में बदलेगा सिलेबस, नए सत्र से क्रेडिट कोर्स के तहत शिक्षा। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति लागू करने के बाद नया सिलेबस भी तैयार किया जा रहा है। इस सिलेबस को 31 मार्च तक तैयार किया जाएगा। आप द्वारा से क्रेडिट्स को सेमेस्टर सिस्टम में लाया जाएगा। नए सिलेबस में स्टूडेंट्स को 1400 सब्जेक्ट पढ़ने की च्वाइस दी जाएगी। अप्रैल महीने में प्रदेश के सभी कॉलेजों में नए सिलेबस के मुताबिक स्टूडेंट पढ़ेंगे। एचपीयू प्रशासन गाइडलाइन के तहत ही सिलेबस बना रहा है। डिपार्टमेंट के बोर्ड ऑफ स्टडीज और फैकल्टी की मीटिंग में इसे अप्रूव करने के बारे में विचार किया गया। नया सिलेबस स्टूडेंट्स को जॉब्स के लिए पहले से तैयार करेगा। इसमें कई भी से शामिल होंगे जो कैरियर बनाने के लिए छात्रों को गाइड करेंगे। इसके लिए सैकड़ों वैल्यू एडेड कोर्स की बास्केट तैयार की जा रही है ताकि स्टूडेंट्स अपनी चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सके। एचपीयू में यूजी डिग्री कोर्स में 2013 में लागू रूसा सीबीएस सेमेस्टर सिस्टम में रही खामियों के चलते इसे अब तक पीजी कोर्स में लागू नहीं किया जा सका। यूजी में भी विश्वविद्यालय को फिर से एयर सिस्टम लागू करना पड़ा था। खास बात यह कि आप स्नातकोत्तर की डिग्री अंकों पर नहीं बल्कि क्रेडिट के आधार पर देगा। इसमें पीजी की 2 साल की पढ़ाई में न्यूनतम 100 क्रेडिट लेने पर ही डिग्री मिलेगी। पहली बार एचपीयू नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने जा रहा है। पीलिया मामले पर राज्यपाल सख्त, नौवीं विस्तार से रिपोर्ट की तलब। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विस्तार नौवीं में पीलिया के मामले पर संज्ञान लेते हुए विस्तार के कुलपति डॉक्टर राजेश्वर सिंह चंदेल से रिपोर्ट तलब की है। राज्यपाल ने राजभवन में कुलपति के साथ हुई भेंट में उन्हें विद्यार्थियों को पेयजल एवं अन्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश जारी किए हैं। रेल लाइन से जुड़ेगा हमीरपुर जिला, होगा सर्वे शुरू। रेलवे ने कांगड़ा प्रशासन से मांगी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर और बिलासपुर के लोगों को रेल लाइन से जुड़ने का सपना पूरा होने की उम्मीद जगी है। उत्तर रेलवे हिमाचल में नई रेल लाइन का सर्वे शुरू करने जा रहा है। ये सर्वे रानीताल कांगड़ा से बिलासपुर वाया हमीरपुर के बीच रेल लाइन बिछाने का होगा। रानीताल से बिलासपुर वाया हमीरपुर रेल लाइन की लंबाई करीब 100 किलोमीटर होगी। इसमें करीब 11 रेलवे स्टेशन होंगे। प्रदेश में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार, नशे के खिलाफ कानून में होगा बड़ा बदलाव, सीएम सुक्कू का बयान है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा। वे आईजीएमसी में ट्रॉमा सेंटर के लोकार्पण के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कम से कम आज तो कैबिनेट का विस्तार नहीं हो सकता है, लेकिन कल यानी शुक्रवार या फिर कभी भी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। कैबिनेट में रिक्त चल रहे 3 पदों को लेकर और सरकार में 3 मंत्रियों को बनाने की लगाई जा रही अटकलों के बीच ये सवाल पूछा गया था। सीएम ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कैबिनेट विस्तार कभी भी हो सकता है, हम इस पर काम कर रहे हैं। ये विस्तार कब होगा इसकी डेट तय नहीं की गई है, लेकिन ये विस्तार जल्द होगा। बता दें कि मंत्री पद की दौड़ में शामिल कई विधायकों का इंतजार काफी लंबा हो चुका है। मंत्री पद की दौड़ में धर्मशाला से सुधीर शर्मा, घुमारवी से राजेश तुरमानी, ज्वालामुखी से संजय रत्न और जयसिंह खोर से यादवेंद्र गोमा सुमार है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप बोले कांग्रेस सरकार का स्कूली बच्चों की वर्दी बंद करने का फैसला गलत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की है। उन्होंने इस मुलाकात के दौरान उनका कुशलक्षेप जाना और अनेकों महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। इस अवसर पर सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा की जिला आक्रोश रैली पूरे प्रदेश भर में चल रही है और 13 मार्च को भाजपा जिला शिमला में आक्रोश रैली का आयोजन करने जा रही है। इसके उपरांत भाजपा विधायक दल के नेता राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को पूरे प्रदेश भर से आए हस्ताक्षर एकत्रित कर सौंपेंगे। ये हस्ताक्षर मंडल स्तर से मंडल अध्यक्ष और 2022 के प्रत्याशियों के माध्यम से पार्टी को पहुँचाए जा रहे हैं। 13 मार्च की आक्रोश रैली में जिला शिमला के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे।
सड़क पर और जाने नहीं गवाएगा हिमाचल, 2023 तक हादसों और मौतों में 50% कमी लाने का लक्ष्य। पिछले कई दशकों से भारतवर्ष में रोड की संरचना कई गुना बढ़ी और वाहनों की संख्या में भी हर वर्ष 11% वृद्धि होती है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य राजमार्गों को अत्याधुनिक इंजीनियरिंग मापदंडों से तैयार किया जा रहा है एवं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को आधुनिक तकनीक से तैयार किया जा रहा है। बावजूद इसके ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश एवं भारतवर्ष में हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में संकल्प पत्र में घोषणा की कि वैश्विक सड़क सुरक्षा में सुधार को अपनाया जाए, जिसमें सड़क सुरक्षा दशक 2030 तक सड़क सुरक्षा मौतों में 50% कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस इस संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए कृत संकल्प है। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू द्वारा सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में संकल्प पत्र में घोषणा के लक्ष्य को परिपूर्ण करने के लिए अथक प्रयास करें। मंडी में चिट्टा और 6 लाख कैश के साथ तस्कर गिरफ्तार, एसआईयू टीम ने गुप्त सूचना पर की कार्यवाही। मंडी जिला पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट एसआईयू की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर चिट्टा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 2.78 ग्राम चिट्टा, 6,04,900 रुपए कैश व 4 तौल मशीने बरामद करने में सफलता हासिल की है। नशे के साथ पकड़े गए आरोपी की पहचान विश्वदेव उम्र 40 पुत्र चंदेराम निवासी गांव बनाला डाकघर पन्नारस तहसील ओट जिला मंडी के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। वेदर अपडेट, हिमाचल में 2 दिन मौसम साफ, 12 मार्च से बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार और शनिवार को मौसम साफ रहेगा। 12 मार्च से प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश के मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। इस दौरान कई क्षेत्रों में आंधर चलने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 13 मार्च तक मौसम साफ रहने की संभावना है। पास देते समय विवाद, एचआरटीसी चालक ने कार चालक पर किया हमला। हाटकोटी कैंची के समीप एक एचआरटीसी बस और निजी कार चालक के बीच पास देने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान एचआरटीसी बस का चालक आपा खो बैठा। आरोप है कि उसने पहले खिड़की से कार चालक पर डंडे से हमला किया और इसके बाद कार की छत पर चढ़कर लातों से हमला करने लगा। कार चालक ने पुलिस में इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई है। इसके साथ ही मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। इसको लेकर हिमाचल परिवहन निगम के रोड डिपो की खूब किरकिरी हो रही है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर है। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप कहां से ये वीडियो देख रहे थे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। क्या आप डेली हमारी वीडियोस को देखते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। और जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आती वीडियोस की वो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक छोटी सी बेल आइकन आएगी घंटी, उसको आप प्रेस करके पहले नंबर पर ऑल पर आप क्लिक कर देना, सेट कर देना उसको। उसके बाद जैसे ही कोई जानकारी अपडेट्स हम आपको देते हैं उसकी जानकारी अपडेट्स सबसे पहले आपके फ़ोन पर आएगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।